हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि सभी 28 राज्यों का राज्यपाल, जो कि एक ही वीडियो में आपको पूरा मिलेगा 28 राज्यों का राज्यपाल। और आपको इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में भी क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें होगा उसी राज्य का राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट कितना है वो भी साथ में कराया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के राज्यपाल कौन है? तो यह जो बिहार राज्य के राज्यपाल है फागु चौहान है। आप इमेज में ये देख सकते हैं, यही फागु चौहान है जो बिहार राज्य के वर्तमान में राज्यपाल है। एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में आपको याद रखना है कि यह इस यहाँ का राज्यसभा सीट कितना है तो 16 है और लोकसभा सीट है तो 40 है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वर्तमान में है। अभी इमेज में देख सकते हैं, यही आनंदीबेन पटेल है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि यहाँ का राज्यसभा सीट कितना है तो 31 है और लोकसभा सीट यहाँ है तो 80 लोकसभा सीट यहाँ पर है। तीसरा क्वेश्चन है, पंजाब राज्य के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में जो पंजाब राज्य का राज्यपाल यह बनवारी लाल पुरोहित है। आप इमेज में देख सकते हैं, यही बनवारी लाल पुरोहित है जो पंजाब राज्य का राज्यपाल के पद संभाल रहे हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि यहाँ का राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 13 है पंजाब का। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा राज्य का राज्यपाल यह बंडारू दत्तात्रेय हैं। और आप इमेज में देख सकते हैं, यही बंडारू दत्तात्रेय हैं, यही हरियाणा राज्य का वर्तमान राज्यपाल है। एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि राज्यसभा सीट यहाँ कितना है तो 5 राज्यसभा सीट है और लोकसभा सीट यहाँ पे 10 लोकसभा सीट यहाँ हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो यह थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, यही थावरचंद गहलोत हैं जो कि कर्नाटक के राज्यपाल हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि राज्यसभा सीट यहाँ पे कितना है तो 12 राज्यसभा सीट है और 28 लोकसभा सीट यह कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन है? तो यह जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ बीडी मिश्रा है। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही बीडी मिश्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है। आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना है कि यहाँ राज्यसभा सीट कितना है तो 1 राज्यसभा सीट है और 2 लोकसभा सीट अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य के राज्यपाल कौन है? तो यह जो गोवा राज्य के राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई है। आप इमेज में देख सकते हैं, यही पी एस श्रीधरन पिल्लई है जो वर्तमान में गोवा राज्य के राज्यपाल है। एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि यहाँ का राज्यसभा सीट यहाँ कितना है तो गोवा में राज्यसभा सीट यह 1 है और लोकसभा सीट 2 है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात राज्य के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल यह आचार्य देवव्रत हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कि यही है आचार्य देवव्रत, गुजरात राज्य के वर्तमान में राज्यपाल है। एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि यहाँ राज्यसभा सीट कितना है तो 11 राज्यसभा सीट है और 26 लोकसभा सीट है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल यह अनुसुईया उइके है। इमेज में आप देख सकते हैं, यही अनुसुईया उइके है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल है। एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि यहाँ का राज्यसभा सीट कितना है तो 5 राज्यसभा सीट है और 11 लोकसभा सीट है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली राज्य के राज्यपाल कौन है? तो यह दिल्ली राज्य के राज्यपाल यह अनिल बैजल है। आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही अनिल बैजल है जो कि दिल्ली राज्य के राज्यपाल है। एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि यहाँ राज्यसभा सीट कितना है तो राज्यसभा सीट यहाँ पे 3 है और लोकसभा सीट यहाँ पे 7 है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य के राज्यपाल कौन है? तो असम राज्य के राज्यपाल यह जगदीश मुखी है। आप इमेज में देख सकते हैं, यही जगदीश मुखी है जो कि असम राज्य के वर्तमान में राज्यपाल पद संभाल रहे हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि यहाँ पे राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट यहाँ पे 14 है। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन है? तो यह जो आंध्र प्रदेश है यहाँ के राज्यपाल यह विश्वभूषण हरिचंद्रन है। आप इमेज में देख सकते हैं, यही विश्वभूषण हरिचंद्रन है जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल पद संभाल रहे हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना है कि यहाँ का राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट यहाँ पे 25 है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर है। आप इमेज में देख सकते हैं, यही राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर है जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल पद संभाल रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना है कि यहाँ पे राज्यसभा सीट कितना है, तो आपको ये होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है कि यहाँ का राज्यसभा सीट कितना है और आपको लोकसभा सीट कितना है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन है? तो झारखंड राज्य के राज्यपाल यह रमेश बैस है। आप इमेज में देख सकते हैं, यही रमेश बैस है जो वर्तमान में झारखंड राज्य के राज्यपाल पद संभाल रहे हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि यहाँ का राज्यसभा सीट 6 है और लोकसभा सीट यहाँ पे 14 है। अगला क्वेश्चन है
केरल राज्य के राज्यपाल कौन है? तो ये केरल राज्य के वर्तमान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, जो आपको इमेज में दिख रहा है, यही आरिफ मोहम्मद खान है जो वर्तमान में केरल राज्य का राज्यपाल पद संभाल रहे हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि यहाँ पे राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट यहाँ पे 20 है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल ये मंगू भाई सिंह पटेल है। कौन है? तो मंगू भाई सिंह पटेल आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही मंगू भाई सिंह पटेल है। और एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना है कि राज्यसभा सीट यहाँ पे 11 है और लोकसभा सीट यहाँ पे 28 है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है, जो आप यही इमेज में दिख रहा होगा, यही भगत सिंह कोश्यारी है जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल है। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि यहाँ राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट यहाँ पे 48 है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो मणिपुर राज्य का जो राज्यपाल है जो वर्तमान में ला गणेशन है, जो आपकी इमेज में दिख रहा होगा, यही ला गणेशन है जो कि मणिपुर राज्य के राज्यपाल वर्तमान में है। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि यहाँ पे राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट यहाँ पे 2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेघालय राज्य के राज्यपाल कौन है? तो मेघालय राज्य का राज्यपाल यह सत्यपाल मलिक है, जो कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही सत्यपाल मलिक है जो कि वर्तमान में मेघालय राज्य के राज्यपाल पद संभाल रहे हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि यहाँ के राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट यहाँ पे 2 है। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम राज्य के राज्यपाल कौन है? तो मिजोरम राज्य के वर्तमान में राज्यपाल यह कंभमपति हरिबाबू है, जो आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही है कंभमपति हरिबाबू। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि यहाँ पे राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट भी यहाँ पे 1 है। अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो नागालैंड के राज्यपाल वर्तमान में जगदीश मुखी है, और ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही जगदीश मुखी है जो वर्तमान में नागालैंड राज्यपाल संभाल रहे हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट फैक्ट बनता है कि यहाँ का राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट भी यहाँ पे 1 है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के राज्यपाल कौन है? तो ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल है जो प्रोफेसर गणेशी लाल है, जो आपकी इमेज में दिख रहा होगा, यही प्रोफेसर गणेशी लाल है जो कि वर्तमान में ओडिशा राज्य का राज्यपाल है। एक्स्ट्रा पॉइंट पर आपको याद रखना है कि यहाँ पे लोकसभा सीट 21 है और राज्यसभा सीट यहाँ पे 10 है। अगला क्वेश्चन है कि पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? तो ये पुडुचेरी राज्य के जो उपराज्यपाल है तो तमिलसाई सुंदरराजन ये है, आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही तमिलसाई सुंदरराजन है जो कि पुडुचेरी के उपराज्यपाल है और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान का वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र है, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं, यही कलराज मिश्र है जो कि वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल पद संभाल रहे हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि यहाँ पे राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट यहाँ पे 25 है। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम राज्य का राज्यपाल कौन है? तो यह जो सिक्किम राज्य है, यहाँ का राज्यपाल वर्तमान में गंगा प्रसाद है, जो आप इमेज में देख सकते हैं, यही गंगा प्रसाद है जो कि राज्यपाल पद संभाल रहे हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि यहाँ पे राज्यसभा सीट भी 1 है और लोकसभा सीट भी यहाँ पे 1 है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में जो तमिलनाडु राज्य है, यहाँ के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं, आप इमेज में देख सकते हैं, यही रविंद्र नारायण रवि है जो कि वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल पद संभाल रहे हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि यहाँ पे राज्यसभा सीट 18 है और लोकसभा सीट 39 है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल कौन है? तो ये वर्तमान में त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल यह सत्यदेव नारायण आर्य हैं, जो कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही सत्यदेव नारायण आर्य हैं जो कि वर्तमान में यह त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल पद संभाल रहे हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि यहाँ पे राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट यहाँ पे 2 है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, जो आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं जो कि उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल वर्तमान में पद संभाल रहे हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि यहाँ पे राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट यहाँ पे 5 है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो यह जो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल जो वर्तमान में है, यह जगदीप धनखड़ है, इमेज में दिख रहा होगा, यही है जगदीप धनखड़ जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल संभाल रहे हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि यहाँ पे राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट यहाँ पे 42 है। अगला क्वेश्चन है,
तेलंगाना राज्य के राजपाल कौन है? तो तेलंगाना राज्य के राजपाल वर्तमान में तमिलसाई सुंदर राजन है, जो आप इमेज में देख सकते हैं। यही तमिलसाई सुंदर राजन है जो कि तेलंगाना राज्य के वर्तमान में राज्यपाल है। और बात किया जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में, आपको याद रखना है यहाँ का राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट यहाँ पे 17 है। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, यहाँ पे उपराज्यपाल होगा, उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा ही आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही मनोज सिन्हा है जो कि जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल है। तो आपको इन सभी 28 राज्यों का आपको राज्यपाल और यहाँ का लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट भी पूरे कवर कर लिए हैं, और इंपोर्टेंट केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल कर लिए, जो कि आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये बन सकता है। और ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि किसी न किसी शिफ्ट यानी हर शिफ्ट में एक मुख्यमंत्री और राज्यपाल पूछा ही जाता है, इसलिए आपको बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। तो वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।